आज हम बनाएंगे कम तेल में बनने वाला एक बहुत ही हेल्दी नाश्ता। आज बनाएंगे हम ढोकला, और इसमें हम एक खास चीज़ मिलाएंगे जिसकी वजह से इसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो बहुत ही बढ़ जाएगी, और इसे बनाने में हम बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैं हूँ हेतल और मेरे किचन में आपका स्वागत है। ढोकला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कप सूजी ली है। आप अपने घर में रखी कोई भी छोटी या बड़ी सूजी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप दही। दही थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए। अगर दही खट्टा नहीं है तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा दें। आप 3/4 कप दही ले सकते हैं अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो। पहले हम इसे दही के साथ ऐसे ही मिक्स कर लेंगे और फिर उसके अंदर पानी डालकर उसका एक बैटर तैयार करेंगे। ये ढोकला बहुत ही कम समय में बनके तैयार हो जाता है, और इसका स्वाद आपके घर में सभी को पसंद आएगा। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार इसे बनाना पसंद करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। अगर आपके दही में पानी ज़्यादा है तो आपको जो एक्स्ट्रा पानी है वो कम डालना पड़ेगा, और अगर दही में पानी नहीं है तो एक्स्ट्रा पानी आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा। लेकिन पहले आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाए और घोल बनाए ताकि उसके अंदर बिल्कुल भी लम्स यानी कि गुठलियाँ ना हो। अभी बैटर के अंदर बिल्कुल भी लम्स यानी कि गुठलियाँ नहीं है, तो इसके अंदर हम पानी डालेंगे। और यहाँ पर मैंने एक कप पानी लिया है। एक कप सूजी ली थी तो उसके अंदर एक कप पानी और आधा कप मैंने दही डाला है। ये ढोकले बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार होते हैं। बिना दांत वाला भी कोई व्यक्ति इसे बहुत आसानी से खा सकता है। अभी हमारा घोल बनकर तैयार है, तो इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। सूजी को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तब तक हम आगे की प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिक्सर का बड़ा वाला जार लिया है, उसमें हम 3 से 4 हरी मिर्च डालेंगे। आपको ढोकले में जितना तीखापन पसंद हो उसके हिसाब से आप हरी मिर्च डालें। 1/3 कप यानी कि 1/3 कप यहाँ पर मैंने हरा वाला लहसुन लिया है। आप लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन को स्किप कर दें। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप स्प्राउटेड मूंग। इसे हम मिक्सर जार के अंदर दरदरा पीस लेंगे, और ये हम ढोकले के अंदर मिलाएंगे जिसकी वजह से ढोकले की जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो बहुत ही बढ़ जाएगी। 1 चम्मच के करीब स्प्राउटेड मूंग हम साइड में रखेंगे, उसे ग्राइंड नहीं करेंगे। अब बिना पानी डाले इसे हम कोर्सली यानी कि दरदरा ग्राइंड कर लेते हैं। अभी मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी बहुत बारीक पेस्ट तैयार नहीं की है। अभी हमारा सूजी का जो बैटर है उसके अंदर हम 1 चम्मच जो हमने स्प्राउटेड मूंग साइड में रखे थे वो डाल देंगे। इसे हम साबुती रखेंगे, और हमने जो ग्राइंड करके रखे थे वो भी इसके अंदर हम मिला लेंगे। मैंने 1 कप सूजी ली थी तो 1 कप उसके अंदर मैंने स्प्राउटेड मूंग डाले हैं। आप मेजरमेंट के लिए अपने घर में रखे कोई भी कप या बाउल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जितनी सूजी लें उतने ही आपको स्प्राउटेड मूंग लेने हैं। अब नमक डालेंगे इसके अंदर स्वाद के हिसाब से। अभी यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है। सूजी को रेस्ट देने के बाद वो पानी एब्जॉर्ब करती है। अगर हमें ज़रूरत लगी तो इसके अंदर हम और थोड़ा पानी डालेंगे और ढोकले वाला बैटर तैयार करेंगे। जब भी आप सूजी को रेस्ट पे रखें यानी कि 10 से 15 मिनट के लिए उसे रेस्ट दें, तब आप उसके अंदर ज़्यादा पानी ना डालें। कई बार ऐसा होता है कि सूजी ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करती है, और कई बार वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है। तो पहले आप उसे रेस्ट दें और फिर उसके अंदर आवश्यकता के अनुसार पानी मिलाएं। तो अभी यहाँ पर मैंने 1/2 कप के करीब पानी इसके अंदर डाला है, और ढोकले की बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो तैयार कर ली है। इतनी क्वांटिटी में से आप 3 से 4 लोगों के लिए ये ढोकला बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो एक बार इस तरह से बैटर बनाकर रख ले, और जितना बैटर आपको ज़रूरत पड़े उसके अंदर ही आप सोडा डालें। अभी हमारा ये बैटर तैयार है। सोडा डालने से पहले हम थाली को ग्रीस कर लेंगे। मैं इस तरह से बड़ी सी थाली के अंदर ही ढोकला तैयार कर रही हूँ। तेल से अच्छी तरह से ग्रीस करें ताकि वो आसानी से इसके अंदर से निकल आए। पानी को मैंने पहले ही उबालने के लिए रख दिया था। ढोकला बनाने के लिए हमें पानी को बहुत ही अच्छी तरह से उबालना है। अब इसके अंदर हम 1/4 टीस्पून के करीब खाने का सोडा मिलाएंगे। सोडा मिलाने के बाद बैटर को हम एक ही दिशा में चलाते हुए मिक्स करेंगे ताकि सोडा का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही बढ़िया आए। अभी मैं यहाँ पर सारे बैटर के अंदर से ढोकला तैयार कर रही हूँ, तो मैंने सारे बैटर के अंदर सोडा मिला दिया है। अगर आप इसे 2 बैच में बना रहे हैं तो दोनों ही बार आप थोड़ा थोड़ा सोडा डालकर उसे मिक्स करें। तैयार बैटर को हम अभी थाली के अंदर पलट देंगे। पलटने के बाद उसे हम थोड़ा सा फैला कर पतला कर लेंगे।
अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालने से पहले आप थोड़ा उसे टैप कर ले। लाल मिर्च पाउडर डालना टोटली ऑप्शनल है। इस तरह लाल मिर्च पाउडर डालने से ढोकला दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैंने अभी इसके अंदर 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम लाल मिर्च पाउडर डाला है। अब इसे हम 10 से 12 मिनट के लिए पका लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमें हाई रखना है। इसके ऊपर हम कवर लगा देंगे। जब तक ये हमारा ढोकला तैयार होता है तब तक हम इसके साथ सर्व करने वाली चटनी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का कैप्सिकम लिया है। ये चटनी ढोकले के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। 3 से 4 हरी मिर्च डालेंगे। आपको जितना तीखा पसंद हो उसके हिसाब से आप हरी मिर्च डालें। 1 कप बारीक कट किया हुआ हरा धनिया डालेंगे इसके अंदर। वैसे ये चटनी थोड़ी सी तीखी और थोड़ी सी खट्टी होती है। नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से और 2 टीस्पून के करीब नींबू का रस डालेंगे और ज़रूरत के हिसाब से पानी डालकर इसे हम पीस लेंगे। अभी हमारी चटनी बनकर तैयार है। आप ये चटनी को और कोई भी ढोकला या फिर हांडवा या तो आप कोई भी फरसान बना रहे हैं उसके साथ सर्व कर सकते हैं। अभी 10 से 12 मिनट हो चुके हैं तो ढोकला हम एक बार चेक कर लेंगे। ध्यान में रहे कि आपको गैस की फ्लेम को हाई ही रखना है। अभी हमारा ढोकला बनकर तैयार है। आपको इस तरह से देखने से पता नहीं चल रहा है तो आप चाकू से भी इसे एक बार चेक कर सकते हैं। अब प्लेट को हम निकाल देंगे और उसे ठंडा होने देंगे। इसके ऊपर हम 2 चम्मच तेल लगा देंगे। इस तरह तेल लगाने से हमारा ढोकला ऊपर से बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता है। अगर आप इसके ऊपर तड़का लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अगर आप तड़का लगा रहे हैं तो फिर इस तरह से आपको तेल लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर मैं तड़का नहीं लगा रही हूँ तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच तेल लगाया है। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। अभी मैंने इसे चौकर आकार में कट किया है। आप चाहे तो डायमंड शेप के अंदर भी इसे कट कर सकते हैं। कट करने से पहले ठंडा इसे ज़रूर होने दें, नहीं तो आपका ढोकला टूट जाएगा। अभी मैं आपको एक ढोकला अभी दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारा ढोकला कितना जालीदार और सॉफ्ट बना है। तो ये रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल किचन क्राफ्ट हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सारी नई वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो फिर से मिलते हैं ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ।